जी हाँ बिल्कुल, सैटेलाइट से प्राप्त चित्र के अनुसार जो असोबा तूफान है जिसका निर्माण यहाँ पे अरब सागर के अंदर गहरे दबाव के बनने के चलते हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं उत्तरी पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो ओमान की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो असोबा तूफान है वो पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो आशंकाएं थी कि भारत के जो तटीय इलाके हैं गुजरात महाराष्ट्र कोंकण गोवा और कर्नाटक इन इलाकों पर कोई कहर बरपा सकता है, तो अब वो कहीं ना कहीं खारिज होती हुई नजर आ रही है और अब ये जाहिर तौर पर यहाँ उत्तरी पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस तरह का दायरा हो सकता है, किस तरह की रणनीति अपना सकता है असोबा तूफान, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए जो असोबा तूफान है ये जो रूट है इसको पकड़ते ये जो इसका दायरा है ये जो अगर मौसम विभाग की माने तो एक जो एक्सपेक्टेड रूट है वो ये पकड़ता हुआ ये उत्तरी पश्चिमी दिशा की तरफ और जो उत्तरी ओमान है वहां पर जाकर के कहीं ना कहीं कहर बरपाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर जाते जाते ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश की जाए जो इनिशिएशन पॉइंट था डिप्रेशन जहां से था, तो अगर असोबा तूफान की बात की जाए तो जो व्हाइट एरिया है ये डिप्रेशन एरिया है, जो काला जो एरिया है यहां पे जाकर के डीप डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ जो लाल एरिया ये साइक्लोन का एरिया यानी कि चक्रवात का जो एरिया है और इस चक्रवात के अंदर पूरी क्षमता है कि ये महाचक्रवात यानी कि सीवियर साइक्लोन में तब्दील होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो अच्छी बात यही है कि अब ये कहना कि भारत से दूर जाता हुआ और ये कहीं ना कहीं ओमान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर भारत में मॉनसून की बात की जाए जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर बात की जाए कर्नाटक तमिलनाडु रायलसीमा और साथ ही साथ रत्नागिरी बेलारी अनंतपुर चेन्नई धुबरी और गैंगटॉक के अंदर कहने के मौसम अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बात की जाए तो अभी अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय के अंदर सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। अगर हम लोग ये बात करें कि किस तरफ और गरज या गरज के साथ बौछार पड़ सकती है तो ये हिमाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा सिक्किम मध्य प्रदेश के अंदर कहने के गरज या गरज के साथ बौछार पड़ती हुई नजर आ सकती है। जो कहने के गर्म हवाओं का सिलसिला है वो उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो अच्छी बात यही है, खुशखबरी की बात यही है कि 15 जुलाई तक पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं मॉनसून होगा। बैक टू द स्टूडियो।